तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियोस के लिए एरो कहाँ से ले सकते हो और उसमें एरो कैसे डाल सकते हो अपनी वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो ऐप की ज़रूरत होगी। वैसे तो आपको एक ही ऐप की ज़रूरत है, मगर मैं दो ऐप रिकमेंडेड करूँगा। एक ऐप में जो हमारा पिंटरेस्ट में, ये इसमें क्या होगा, हम हमारे फ़ोटो डाउनलोड होंगे, हम गूगल से नहीं डाउनलोड करेंगे। अगर हम गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर कॉपीराइट वगैरह मिल सकती है, तो इसीलिए हम पिंटरेस्ट से डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोटो। और ये जो दूसरा ऐप है बैकग्राउंड इरेजर, इसका क्या काम है, ये ऑटोमेटिक फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर देता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फ़ोटो डाउनलोड करेंगे, आप गूगल से भी कर सकते हो अगर आप इसे नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो। हमारा दूसरा ऐप जो है वो 2-3 MB का, आप कर सकते हो। यहाँ पर टाइप करेंगे एरो सैम्बल। टाइप करने के बाद हम सर्च कर देंगे, यहाँ से आपके कई सारे एरो आ जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं यही कर लेता हूँ फिलहाल, ये वाला 3 डॉट पे क्लिक किया मैंने, डाउनलोड पे किया। यहाँ पे हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपनी होम स्क्रीन पे जाएंगे। होम स्क्रीन पर आने के बाद में आपको बैकग्राउंड इरेजर में जाना है, दूसरे ऐप में। यहाँ पर लोड ए फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रिसेंटली जो आपने जो डाउनलोड वगैरह किए हैं वो आपके फ़ोटो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर वो ले लेना है, जो भी आपका PNG है फ़ोटो, जैसे मेरा ये है, मैंने ले लिया। इसके बाद आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। मैं फिलहाल इतना ही डन कर दूंगा। डन करने के बाद में आपको ऑटो पे जाना है। ऑटो पे दबाने के बाद में आपका ये लाल लाल सा जाएगा। इसका क्या काम है मैं बता देता हूँ। ये जब तक हम इसे दबाए रखेंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा, जैसे हम इसे छोड़ेंगे ये अपने जितने भी दायरे का कलर आ रहा है उसे ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। जैसे मैंने ये छोड़ दिया, ये देखिए यहाँ पर रिमूव हो चुका। अब इसके बाद ये देख सकते हो आप बगल में सफ़ेद सफ़ेद सी लाइन हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डन कर देंगे। डन करने के बाद हम बीजी कलर्स में ये देखेंगे, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्मूथ में जा करके इसे बढ़ा देंगे। जितना ही हम बढ़ाएंगे इसे उतना ही क्रॉप होता चले जाएगा। तो मैं फ़िलहाल 2 रखने वाला हूँ। सेव कर देंगे, फिनिश कर देंगे। हमारे फ़ोटो का बैकग्राउंड क्रॉप हो चुका है। अब आप जिस भी ऐप में अपनी वीडियो एडिट करते हो उसमें जाना है। मैं जैसे कि मैं तो तीनों में ही करता हूँ, काइन मास्टर, पिक्सार्ट और इनशॉट। तो मैं इनशॉट में जाऊँगा। इनशॉट में आने के बाद हम अपनी वीडियो पर जाएंगे। यहाँ से अपनी कोई भी एक वीडियो ले लेंगे। अगर आप इनशॉट में एडिट करते हैं अपनी वीडियो को तो स्टिकर में जाना है, नहीं अदरवाइज़ किसी और ऐप में एडिट करते हैं तो वहाँ पे आप लेयर या फोटो वगैरह ऑप्शन पे जाकर के आप अपना स्टिकर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करूँगा, स्टिकर पे जाएंगे, यहाँ पे फ़ोटो पे जाएंगे। अब इसके बाद आपके 2 एरो आएंगे यहाँ पे, एक तो बिना क्रॉप किया हुआ है बैकग्राउंड और एक क्रॉप किया हुआ है। तो हमने जो क्रॉप किया है उसको ले लेंगे। ये हमारा एरो आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी वीडियो पे अलग अलग प्रकार के एरो रख करके अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए एक ही रखा है यहाँ पे। डन कर देंगे। अब इसके बाद में क्या ये एरो एकदम से आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि आप अपनी ये देखिए यहाँ पर एकदम से आ गया एरो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके एडिट करेंगे अपना PNG। यहाँ से आप कोई भी रख सकते हो, मैं फ़िलहाल ये रखने वाला हूँ। ओके कर देंगे। अब ये देखिए हमारा वैसे पहले के तरीके से नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमारा एरो लग चुका है सही तरीके से बिल्कुल। तो कुछ इस तरह आप अपनी एरो को लगा सकते हो अपनी वीडियो पर। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।